हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2023 में आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द एंगल बिटवीन द लाइन, एक ये लाइन गिवन है एंड एक ये लाइन गिवन है, दोनों के बीच जो एंगल है वो पाई बाय फोर है। दोनों के बीच एंगल क्या है? पाई बाय फोर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के बीच जो भी रिलेशन आए वो हमको फाइंड करना है। चलो भाई देखते हैं। तो अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन निकालना है, एंगल हमको दे रखा है तो हम एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एंगल वाला फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा इक्वल टू है ना, वो वाला। अच्छा, तो यहाँ पे जो एंगल निकालने के लिए हमारे पास जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं क्या? डायरेक्शन रेशियो। तो पहली वाली लाइन ये गिवन है हमको कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए नीचे ए वन बी वन सी वन, और ये सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए ए टू बी टू सी टू। बस फॉर्मूला लगाना है हमको। चलो पहले एक बार मैं वैल्यू रख देता हूँ, लिख देता हूँ। ए वन की वैल्यू है हमारी अल्फ़ा, ए टू की वैल्यू है हमारी माइनस फाइव, और सॉरी ए टू नहीं, ये बी वन है, ए वन बी वन सी वन है ना। ए वन की अल्फ़ा, बी वन की माइनस फाइव और सी वन की बीटा, ठीक है। ऐसे ही हम ए टू बी टू सी टू की वैल्यू लिख सकते हैं। ए टू की वैल्यू आ गई वन, बी टू की जीरो, सी टू की वन। वन जीरो वन, तो ये वैल्यू हमारे पास है। बस हमको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है कोस थीटा वाला, एंगल निकालने वाला। कोस थीटा इक्वल टू आएगा हमारा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, और अपॉन में है हमारा रूट में ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे रूट में है ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। बस वैल्यू रख देनी है हमको, क्या रख देनी है? वैल्यू। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो देखते हैं, वैल्यू रखो। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? पाई बाय फोर। तो यहाँ आ गया हमारा कोस पाई बाय फोर, और इसकी कोस पाई बाय फोर की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ए वन ए टू में सीधा कर रहा हूँ, ए वन को ए टू से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा, बी वन को बी टू से मल्टीप्लाई किया जीरो हो जाएगा, सी वन को सी टू से मल्टीप्लाई किया बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अपॉन में रूट के अंदर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और माइनस फाइव का स्क्वायर कितना हो गया? 25। फिर यहाँ ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर वन का स्क्वायर। बस वैल्यू रखो, वन बाई रूट टू इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ आ गया हमारा रूट टू। देखो रूट टू कैंसिल कर सकते हो, वैसे ना करना चाहो तो आगे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में आ गया हमारा रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25। रूट हटाने के लिए दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 25। देखो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा जो बचा वो बचा 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 25, और यहाँ से अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया 25/2। तो ये आ गई हमारी अल्फा और बीटा में रिलेशन, और यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो बस हमको कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना था, एंगल वाला, एंगल ही इसमें गिवन है, तो ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।